अब पता नहीं आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ इन प्लांट्स के बीच वीडियो बना के। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम गुड एंड आई होप दैट यू ऑल आल्सो डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं मैं फूलों के बाजार में बैठी हूँ। जस्ट जोकिंग, फूलों का बाजार नहीं है, ये मेरी फेक प्लांट्स की पूरी कलेक्शन है। आज का वीडियो फ्रेंड्स बस ऐसे दिल में आ गया तो बना लिया, मतलब आई वॉज नॉट प्लानिंग ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, बट थोड़े मेरे ये जितने भी आप फेक प्लांट्स देख पा रहे हैं, मेरी प्यारी सी कलेक्शन। सो इन फेक प्लांट्स में थोड़ी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई थी ऐसे, तो मैंने आज इनको सबको वॉश किया एंड मैंने अपनी बालकनी में इनको सूखने के लिए रखे थे। तो वहाँ जब मैंने देखा दे वर लुकिंग सो प्रीटी, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। तो बस ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ आप सबके लिए, तो आप देखिए कि कैसा बनेगा वीडियो एंड मुझे बताना कि फेक प्लांट्स की कलेक्शन आपको कैसी लगी। मैंने अर्लियर एक वीडियो डाला हुआ है जो ओरिजिनल रियल प्लांट्स के ऊपर, तो वो तो आपने बहुत सारा उसको प्यार दिया। अब मैं ये फेक प्लांट्स पे बना रही हूँ, जो अमेजोन से परचेज किए उन सबके तो मैं लिंक्स डाल ही दूंगी, और जो शॉप से किए, कहाँ से किए, कितने के किए, तो मैं थोड़ा आपको सबके प्राइस एंड इनके डिटेल बताऊंगी। शायद फेक प्लांट्स की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज आप देख सकते हैं प्लांट्स के हिसाब से इतनी कलरफुल मैंने ड्रेस भी रेड पहन ली कि ताकि मैं इसके साथ मर्ज हो जाऊं इन प्लांट्स के साथ। अब पता नहीं आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ इन प्लांट्स के बीच वीडियो बना के। प्लीज खूब सारा प्यार देना एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। सो नाउ फ्रेंड्स, मैं जो आपको ये सारे फेक प्लांट्स दिखा रही हूँ, मैं इनको मोटा मोटी मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज द प्लांट्स दैट आई परचेज फ्रॉम अमेजन, द सेकेंड कैटेगरी विल बी द वंस दैट आई ब्रॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट, एंड द थर्ड कैटेगरी विल बी जो मैंने लोकल शॉप से लाइक इधर उधर करोलबाग वगैरह से परचेज किए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं सबसे पहले अमेजोन से जो परचेजिंग है वो आपको दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट प्लांट जो मैंने अमेजोन से परचेज किया, अ स्मॉल ब्लैक पॉट विथ थ्री और फोर रोजेज। तो ये आप देखिए, तो मैं थोड़ा फटाफट आपको बताऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दिस प्लांट फ्रॉम अमेजोन वॉज फॉर 299। तो मैं इसको रख रही हूँ। अब फ्रेंड्स, ये आप तीन मैंने अर्ली वीडियो में दिखाया था ये अमेजोन की परचेज पे, ये तीन फेक प्लांट्स हैं, छोटे छोटे तीन कैक्टस। तो ये फ्रेंड्स मैंने 459 के परचेज किए थे फ्रॉम अमेजोन। थोड़ी ये परचेज मुझे कॉस्टली लग रही है, बट ठीक है, ये 459 के थ्री प्लांट्स हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट 299 फ्रॉम अमेजोन, ये मैंने आपको अर्लियर दिखाया बट मैं दिखा रही हूँ 299 फ्रॉम अमेजोन। सो फ्रेंड्स, ये सेम वाला प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1, 2, 3, 4 मैंने ये फोर प्लांट्स बिल्कुल सेम डिज़ाइन के परचेज किए फ्रॉम अमेजोन फॉर ₹299। तो ये पर पीस है 299 फ्रॉम अमेजोन। ओके फ्रेंड्स, जो मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ नेक्स्ट प्लांट, ये बिल्कुल ग्रीन सा है प्लांट, मनी प्लांट, फेक प्लांट, एंड ये वुडन ऐसे पॉट में आया है, एंड दीज वॉज फॉर 350। ठीक लग रहा है, ये भी डिसेंट सी परचेज है। अब इसी से कुछ मिलता जुलता ये भी है, ये भी मनी प्लांट ही है, मतलब इनकी दोनों की लीव्स थोड़ी सेम ही लग रही है, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सेम है, बस इनका जो वुडन पॉट है वो अलग डिज़ाइन का है। ये थोड़ी बोट शेप में है, बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, रिसेंट सी परचेज है, तो ये भी मैंने अमेजोन से ली थी फॉर 350। सो माई दिस टू प्लांट्स आर फॉर 350 निकल गया। अब ये देखिए सबसे क्यूट परचेज, पर थोड़ी कॉस्टली है, ये मैंने अमेजोन से ली थी, वाइट बाइसाइकिल विद दिस टू स्मॉल स्मॉल बंच ऑफ पियोनीज। ये देखिए येलो एंड रेड, ये छोटी सी बाइसाइकिल है, इसका ये अलग से निकल जाता है, एंड ये देन बाइसाइकिल है। इसको ये ऐसे होके प्लेस आया था मेरे पास, एंड ये इसकी थोड़ी सी मुझे कॉस्ट थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा लगी थी एक्चुअली, तो ये 499 का था ये छोटा सा पॉट बाइसाइकिल एंड ये प्लांट्स। बट मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ये थोड़ी यूनिक सी चीज़ है। तो इन प्लांट ये छोटे छोटे पियोनीज को तो मैं कभी कभी निकाल के कहीं और भी दूसरे पॉट में प्लेस कर देती हूँ, बस मेरा चेंज होते रहते हैं सारे पॉट्स एंड प्लांट्स, इधर उधर करती रहती हूँ। तो देखिए है क्यूट बट थोड़ा सा कॉस्टली है फॉर 499। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी अमेजोन की ही परचेज है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीन हैं ऐसे ऐसे बहुत स्टर्डी वाले, ये तीन हैं विद ग्रीन कलर ग्रासेस, बिल्कुल भरे हुए हैं, मतलब डेंस ग्रास है इस पर, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आए थे फॉर 300 रुपीज़, थ्री मतलब 100 रुपीज़ की सिंगल परचेज थी, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड परचेज थी। तो आप ये सोच सकते हो अगर आप फेक प्लांट्स में जाना चाहते हो।
अब जो अमेजोन की परचेजिंग में मेरे लास्ट जो फेक प्लांट्स हैं उसमें ये फ्लावर्स आते हैं, तो ये फ्रेंड्स ऐसे एक बंच में 5 स्टिक्स आई थी, तो मैंने लिए 2 बंच, दैट मीन्स कि 10 स्टिक्स ऑल टुगेदर। अब ये मैंने लिए पिंक एंड ऑफ वाइट कलर में, इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे कलर अवेलेबल है, पर्पल, रेड और ग्रीन, सी ग्रीन, बहुत सारे हैं, बट मुझे यही अच्छे लगे तो मैंने ये लिए। दीज आर फॉर वन बंचेज फॉर 180 रुपीज़, दैट मीन्स मैंने 2 लिए, तो ये आप देख लीजिए कितने के पड़े, मतलब सिंगल बंचेज फॉर 180, तो ये 2 10 स्टिक्स 180 पर बंच, तो ये भी अच्छे हैं, फ्लावर्स अच्छे हैं। सो अब मेरी अमेजोन की जो मैंने फेक प्लांट्स की परचेसिंग थी ऑलमोस्ट आपको सब दिखा दी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मैंने बंजारा मार्केट से फेक प्लांट्स लिए हैं। बंजारा मार्केट में फ्रेंड्स फेक प्लांट्स की शॉप बहुत सारी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ एक भैया खड़े होते हैं पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने, वो ही फेक प्लांट्स रखते हैं और वो रेट थोड़े कम नहीं करते, मतलब लाइक बाकी बंजारा मार्केट में आपको बहुत रेट रीजनेबल मिल जाते हैं और बाकी क्रॉकरी पॉट्स प्लांटर्स जो भी है, बट ये जो भैया है ये थोड़ा सा कम रिड्यूस करते हैं बिकॉज इसकी इकलौती एक ही शॉप है, तो बट कलेक्शन ठीक है, पर बाकी अगर आप शॉप से और अमेजोन की उसकी कंपैरिजन करो तो वो तो फिर भी आपको सस्ते ही है, बट मैं आपको दिखाती हूँ तो आप गैस लगा सकते हैं कि कितने का क्या कुछ वहाँ से मिला। तो लेट्स स्टार्ट विथ बंजारा मार्केट। ये है जो फर्स्ट प्लांट, बड़ा क्यूट सा, इसका कलर बहुत यूनिक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बंजारा मार्केट से भी रिसेंटली परचेज किया था। इसका बस ड्रॉबैक ये है कि इसका छोटा जो पॉट है ना बहुत छोटा है, बट 50 रुपीज़ में ही मिला था, तो इससे अच्छी डील तो क्या आ सकती है, तो ये 50 रुपीज़ में था, बट इसका पॉट मुझे बहुत छोटा लगता है, तो मैंने ये बंजारा मार्केट से एक पॉट लिया था फॉर 20 रुपीज़, और मैं इसको इसके अंदर प्लेस कर देती हूँ ऐसे, आप देखिए, तो ये थोड़ा सा इसकी लुक भी एनहांस हो जाती है, ये छोटू पॉट भी छूट जाता है, तो ये अलग लिया था, ये अलग है, तो दिस फेक प्लांट वॉज फॉर 50 रुपीज़। अब मैं बंजारा मार्केट की आपको बाकी दिखाती हूँ, ये देखिए, एक स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक्स, मैंने ये 3 स्टिक्स ली है, एंड पर स्टिक वॉज फॉर 100 रुपीज़, तो 300 की मैंने ये 3 स्टिक्स ली थी, और ये स्टिक्स तो मुझे तो बहुत प्यारी लगती है, रोजेस है, हाँ पिंक एंड ऑफ वाइट कलर के, कितने क्यूट है, तो ये 3 स्टिक्स ली थी। आपको मैंने ये दिखाया था फ्रेंड्स एक बार कि ये भी मेरा जो डोनट पॉट है मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे, ऐसे ऐसे मेरे पास 3 हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, अभी एक इससे बड़ा है, एक इससे भी बड़ा है, तो मैंने ऐसे 3 डोनट प्लांट्स के लिए ये ली थी ऐसे, मतलब इसमें डालने के लिए ये 3 स्टिक्स 3 डोनट प्लांट्स में। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू शो यू, ये देखिए आप, ये मैंने 2 ली है बंजारा मार्केट से, बट ये पॉट नहीं था, तो ये सिर्फ ये छोटे से प्लास्टिक पॉट में, ये ग्रास टाइप की कुछ लगी हुई है, तो छोटे छोटे हैं बट अच्छे लगते हैं। देन अगेन लाइक द लास्ट वन जो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा मुझे ये छोटा लगा, तो मैंने बंजारा मार्केट से ये वही 15 रुपीज़ के 2 पॉट्स लिए और मैंने इनको अंदर ऐसे प्लेस कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ दिस वे, अब वही इनकी लुक थोड़ी बड़ी भी लग रही है एंड ये अच्छे लग रहे हैं, तो 50-50 के ये दोनों प्लांट्स हैं। अब इसके बाद बंजारा मार्केट की जो नेक्स्ट आइटम है ये है, ये फ्रेंड्स इस वाले आइटम से ये थोड़े बड़े हैं, इनके ये प्लास्टिक कंटेनर्स भी जो पॉट दिए गए साथ में ये भी थोड़े बड़े हैं, एंड इनके फ्लावर्स नहीं है, ये जो भी ग्रास है ग्रीन कलर की ये भी थोड़ी ह्यूज है, एंड दिस वेयर फॉर 100 रुपीज़ फॉर 1, तो मैंने 2 लिए 200 रुपीज़ के, तो ये भी फ्रेंड्स मैं ऐसे मतलब किसी ना किसी पॉट में तो डाल ही देती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा मेरा कोई, हाँ मेरी डॉटर ले आई ढूंढ के, देखिए आप ये वास मैंने लिया है इन दोनों के लिए, स्क्वायर टाइप से है तो मैंने इसी के लिए स्क्वायर से ये वास लिया है, ये भी 20 रुपीज़ का वास है, आप देखिए अब इसकी लुक कितनी एनहेंस हो गई, इसके अंदर बिल्कुल दूर से ऐसे ना मतलब प्योर सिरेमिक का वास है, मैंने ये इसके अंदर ऐसे प्लेस कर दिए, तो 100 के ये थे फेक प्लांट्स एंड 20 वास फॉर दिस वास, और ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, ये वाले तो डिसेंट ही लगते हैं फिर भी इतने छोटू नहीं है, तो दिस 2 वेयर फॉर 200 रुपीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी अलग सी कलेक्शन, किसी को ज़्यादा ही पसंद आएगी, मे बी किसी को नहीं आएगी, तो फ्रेंड्स ये आप देखिए ये 3 है ऐसे, बट इसमें ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, एक जो ये है ये बिल्कुल ग्रीन कलर में, इसमें कोई वाइट का टच नहीं है, एंड दीज 2 स्टिक्स में वाइट कलर का भी कुछ है, अगर आप देखोगे तो ये तो बिल्कुल जैसे धनिया की पत्ती होती है वही लग रहा है, बारीक बारीक बिल्कुल धनिया की पत्ती, तो ये मैं किचन में एक वास है मेरे पास उसमें डेकोरेट करने के लिए लाई थी कि किचन की थीम के साथ जाएगा, ये भी धनिया की पत्ती लग रही है बट थोड़ा इसमें वाइट सा वो है, आप देखिए
तो फ्रेंड्स ये तीन स्टिक्स है एंड दे वेयर फॉर 150 रुपीस ईच। तो ये मैंने तीनों स्टिक्स लिए हैं फॉर 450 रुपीस। तो ये मेरे पास बंजारा मार्केट से ही मैंने इनके पॉट्स ले रखे हैं, तो उनमें मैं प्लेस कर देती हूँ। तो ये भी बहुत, आप अगर मतलब थोड़ा हैवी बंच बनाना चाहो तो इन तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, ऐसे इकट्ठा प्लेस कर सकते हो, एंड अदरवाइज सिंगल सिंगल में भी कर सकते हो, जैसी आपकी टेस्ट एंड जैसी आपकी चॉइस। सो दिस थ्री वेयर फॉर 450 रुपीस। और फ्रेंड्स मेरी बंजारा मार्केट से फेक प्लांट्स की परचेजिंग इतनी ही थी। अब मैं आपको जो थर्ड कैटेगरी दिखा रही हूँ वो लाइक कोई एग्जीबिशन से लिया है मैंने, कोई करोल बाग से लिया है, एंड कोई ऐसे लोकल मार्केट से घूमते फिरते लिया है। तो मैं आपको उनके कलेक्शन और उनके प्राइस बताती हूँ। तो थर्ड कैटेगरी में ये है जो फर्स्ट फेक प्लांट में दिखा रही हूँ, ये रोज़ के पता नहीं कौन सा फ्लावर है बट क्यूट से है, पिंक एंड रेड कलर के एंड विद ग्रीन लीव्स। ये वाला प्लांट मैंने फ्रेंड्स लिया था एक थाईलैंड की कोई पता नहीं मतलब ये एग्जीबिशन लगी थी किसी होटल में, तो मैं वहाँ देखने गई थी, वहाँ से मैंने ये लिया है। तो दिस वॉज फॉर ₹199 उस एग्जीबिशन से जो मैंने लिया, बट इसको लिए हो गए मुझे करीबन 8 साल। तो इसको वॉश कर देती हूँ, देखो 8-9 साल हो गए और अभी भी अच्छा लग रहा है फॉर 199। अब ये देखिए सेकेंड जो परचेज है, ये देखिए इसकी थोड़ी स्टिक्स वगैरह फ्रेंड्स निकल गई, पर यहीं पे रखी है मेरे सामने, तो मैं इनको डाल दूंगी आराम से बैठ के। तो ये वाला प्लांट भी मैंने 199 का लिया था, ये भी थाईलैंड मार्केट से, ये जब लिया था मैंने दोनों इकट्ठे लिए थे। दिस वॉज ऑल्सो फॉर 199, दिस वॉज ऑल्सो फॉर 199। एंड ये जो था ये भी मतलब 8-9 साल हो गए इसको, थोड़ा सा ये खाली ऑफ वाइट कलर में है, तो थोड़ी सी हल्की सी आपको इनको फ्लावर्स की लुक थोड़ी ऐसी लग रही होगी। अदरवाइज इसका पॉट की तो बहुत प्रेज होती है, मतलब वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटिफुल सिरेमिक पॉट। अच्छा अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स ये स्टिक्स है। अब थाईलैंड मार्केट की हम बात ही कर रहे हैं, तो थाईलैंड मार्केट से ही मैंने ये दो बंच लिए थे, वन इज डार्क रेड एंड द अदर वन इज ऑफ वाइट। ऑफ वाइट एंड ग्रीन एंड ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मैं बहुत कलरफुल से नहीं लेती लाइक लोग ले लेते हैं ब्लू पर्पल, मेरे पास एक भी नहीं है इस टाइप का कोई भी। तो ये है दो फेक प्लांट्स फ्रेंड्स, दिस वॉज फॉर 299 एंड दिस वॉज फॉर 299, मतलब 600 के मैंने ये दो लिए थे। पर इसको लिए भी फ्रेंड्स मैं इनको इकट्ठे ऐसे प्लेस करती हूँ, तो इनको लिए भी 8-9 साल हो गए। तो थाईलैंड मार्केट से मेरी ये एंड ये परचेज की, तो 600 के ये हैं, 200 के ये थे। तो बताइए आपको कैसे लगे ये। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरी लोकल मार्केट से जो मैंने परचेज की है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी लंबी लंबी स्टिक्स है, ये देखिए ये ह्यूज स्टिक्स है। ये फ्रेंड्स मैंने 4 स्टिक ली थी फ्रॉम करोल बाग। तो करोल बाग में भी मतलब आपको जो टिकटॉक मार्केट है वहाँ से बहुत अच्छा मतलब डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे, फेक प्लांट्स की भी मतलब ह्यूज वैरायटी है और रीजनेबल रेट पे मिल जाएगी। मैं आपको इसका मतलब जो मैंने पॉट लिया था वो भी दिखाऊंगी, एक बार इनको देख लीजिए। ये बहुत बड़े बड़े पता नहीं कौन सा फ्लावर्स बोलते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, बट बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी मेरे 8 ईयर्स हो गए प्लांट्स को और ये देखो अभी भी एज ए न्यू लग रहे हैं। एक स्टिक में फ्रेंड्स ये 3 इसमें फ्लावर्स और कुछ लीव्स है, तो एक स्टिक मुझे 250 की मिली थी, तो ये पूरा बंच है। तो 4 स्टिक्स मैंने परचेज की थी तो 1000 रुपीज़ मैंने पे किए थे। और इसको घर के किसी भी आप देखिए ऐसे मैं पॉट में प्लेस करके दिखाऊंगी आप, तो आप किसी भी उसमें लगा दीजिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए ये लंबा सा मैंने इसी की कुछ ऐसे ताकि ये स्टिक्स इसके अंदर चली जाए। ये पॉट फ्रेंड्स मैंने वुड का बना हुआ है एंड दिस वॉज फॉर ₹500। अब देखिए तो ये 500 रुपीज़ का पॉट एंड 1000 के ये है, किसी भी आप घर का कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी लुक आती है। ये मैंने ऐसे प्लेस कर देती हूँ मैं घर के किसी भी कॉर्नर पे, तो 1500 में देखिए कितनी प्यारी लुक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्राउन कलर का। सो नाउ फ्रेंड्स गोइंग टू दी अदर वंस। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता दूं कि ये दो बंच है बट मेरे पास पॉट्स थोड़े कम थे, तो मैंने दोनों बंच को ऐसे सेलोटेप से फिक्स करके एक ही पॉट में ऐसे घुसा दिया, मतलब लगा दिया। तो ये जो आप देख सकते हैं ना छोटे छोटे ये टूलिप्स हैं, रोज है, क्या है, मतलब ये वाला बंच पूरा कलरफुल है। तो फ्रेंड्स ये भी पर स्टिक मुझे 250 रुपीज़ की मिली थी, वही 4 स्टिक्स मैंने ली तो 1000 की ये मिली, जिसमें आप 4 कलर्स की ली है फ्रेंड्स, तो 250 पर स्टिक एंड 1000 की मैंने ये ली है। एंड कमिंग टू दिस साइड फ्रेंड्स
ये आप देखिए छोटे छोटे पिंक कलर के हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता बट ये तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब परचेज किए थे, बहुत पुराने हैं, मतलब मोर देन 10 ईयर्स बैक, तो इसीलिए थोड़ी इनकी लुक आपको वर्न आउट लग रही होगी बट आई डोंट नो दे आर क्लोज टू माई हार्ट, तो मैं इनको हटाती नहीं हूँ, मैं इनको हमेशा साथ लेके चलती हूँ। तो इसका तो एक्चुअली मुझे प्राइस भी याद नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती, बाकी मैंने आपको इनके प्राइस बता दिए। एंड ये वाले जो थे ये भी करोल बाग के हैं, इनके साथ ही मैंने ये भी लिए थे। अब जो मैं दिखा रही हूँ वो वन ऑफ माई बेस्ट परचेज है, ये अब इस टाइम ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे मेरे पास 4 है, 2 ऑरेंज कलर के हैं एंड एक ऑफ वाइट कलर का है एंड एक लाइट ग्रीन कलर का, तो 4 है। अब जो सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स इनकी है वो मैं आपको बताती हूँ, आप ये वास देखिए, बहुत लंबा सा एक सिलेंड्रिकल वास है, इसकी बहुत प्यारी शेप है। तो ये वास मिला था मुझे इन प्लांट्स के साथ ही, तो ये मैं दिखाऊँ आपको, ये इनको इसके अंदर ऐसे मैं दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इसके अंदर ऐसे मतलब 4 वास मिले थे मुझे एंड मैंने ऐसे ये चारों मतलब उसमें डालने, जैसे अब ये है तो एक दूसरे वास में मतलब 4। अब मैं इसकी प्राइस बताती हूँ आपको, लाइक इसकी प्राइस थी एक इस सिलेंड्रिकल जार विथ वास विथ प्लांट 750, तो एक वो पैर के हिसाब से दे रहे थे तो फ्रेंड्स 1500 का एक पैर था, तो मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने 2 पैर लिए, दैट मीन्स 4 वास एंड 4 प्लांट्स, तो 3000 के लिए थे। तो ये ऐसे बहुत सुंदर लगते हैं, कोई फेस्टिव ओकेजन पे आप इसके अंदर फेरी लाइट से भी अगर डेकोरेट कर दो, मतलब पता नहीं इसके, ये तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये वास और ये प्लांट कहाँ से लाए थे, तो ये मेरी करोल बाग की परचेज है। तो अगर मैं सिंगल पीस की बात करूँ तो 750 और मैं ऐसे ऐसे 4 लाई थी फॉर 3000। तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मैंने 4 लिए थे ना, बट एक दिन ऐसे मेरा डोर खुला हुआ था लिविंग रूम का, इतनी हवा चल रही थी कि वो कर्टन के साथ उलझ के एंड मेरा एक वास टूट गया, तो वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ उसका, बट कोई बात नहीं, कांच की चीज़ें हैं तो टूट भी जाती है। अब मेरे पास ये 3 बचे हुए हैं। अब आ रही है मेरी बिल्कुल लास्ट आइटम और थोड़ी बड़ा सा है ये, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये व्हाइट कलर का, ये सिरेमिक नहीं है, ये स्टैंड जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं प्लांटर, मतलब ये प्लास्टिक में ही बना हुआ बट इसकी शेप अच्छी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसके ऊपर ये बिल्कुल बॉल ऐसे रखा गया है एंड ये 2 पार्ट्स में आता है बॉल, तो हमने इसको अटैच करना होता है बैठ के, तो ये मैंने ऐसे पूरा जोड़ के एक बॉल बना रखा है ग्रीन कलर का। तो ये अलग से प्लांटर लिया था एंड ये बॉल मैंने अलग से परचेज की थी। तो ये प्लांटर वॉज फॉर 500 रुपीज़, जो ये आप देख रहे हो व्हाइट कलर का। आप इसमें अगर ये ना रखना चाहो तो इसके अंदर कोई मतलब कुछ भी रियल प्लांट भी आप इसको डाल के इसमें डेकोरेट कर सकते हैं, विथ पॉट आप इसको प्लेस कर सकते हैं, तब भी इसकी लुक अच्छी आएगी। बट मैंने जब लिया था एक ही शॉप से, ये भी लिया था, ये भी मेरी करोल बाग की ही परचेज है, तो ये मैंने इसके साथ ही लिया था। तो फ्रेंड्स ये 500 का लिया था एंड दिस वाज आल्सो फॉर 500 रुपीज़, तो आपको 1000 रुपीज़ में ये पूरा सेट मिलता है। तो आप ये भी घर के किसी कॉर्नर में रखिए एंड इसकी भी लुक एकदम कॉर्नर की एनहांस हो जाती है, बिकॉज ग्रीन एंड वाइट तो वैसे भी बहुत सुंदर आते हैं, दिखते हैं, मतलब किसी भी प्लेस में रखिए तो एकदम एनहांस कर देंगे लुक के। तो मुझे तो ये वाला भी अपनी परचेज बहुत अच्छी लगती है और 1000 रुपीज़ बोथ द थिंग्स। तो दिस ऑल वेर माई परचेज ऑफ फेक प्लांट्स, जो मैंने आपको बंजारा मार्केट, अमेजोन की शॉपिंग एंड लोकल मार्केट की शॉपिंग की दिखाई। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप तो मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई 101% करूँगी। सो नाउ इफ यू रियली लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी। एंड फ्रेंड्स फाइनली कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। ये सारा दिख रहा है ना देखो, बस इतनी पास से बहुत है क्या, ऐसे ऐसे तो क्या होंगे इतने, उससे भी होता रहेगा क्या, एक बार उठाऊंगी तो वो वाला दिखाई हो ये। अच्छा ये भी तो अमेजोन के थे ना, हाँ फिर भी पहले बंजारा वाले, ये इसमें भी अच्छे लग रहे हैं दीवे ना, परचेज है ये तो, काट ली है वो तो, दिखा तो रही थी ऐसे करके। अरे अच्छा मैं ही पास कर लूं, मेरा कुछ फिक्स नहीं। आप देखिए अब आप देखिए ये बंच ठीक है, बस है ना, अब आउट हो गए।